हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट एंड मस्ट लिटिल स्टेप्स। आज मैं तो पढ़ना फिर से आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ एक नई ड्राइंग लेके। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एक वेरी ब्यूटीफुल ऑयल पेस्टल ड्राइंग। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी भी राइट एंड मस्ट को फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं फर्स्ट एक आइसक्रीम सेलर ड्रॉ कर रही हूँ। आइसक्रीम सेलर के फेस से मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया है। गाइस, मैंने इस ड्राइंग के लिए 2B पेंसिल यूज किया है। आप चाहो तो आप अदर कोई पेंसिल यूज कर सकते हो। अब मैं हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ मैं हैंड में एक आइसक्रीम है वो ड्रॉ कर रही हूँ। गाइस, ये ड्राइंग मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप ये ड्राइंग कर पाओगे। और गाइस, अगर आपको ऐसा ही ब्यूटीफुल स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग देखना है तो आप रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम को फॉलो करते रहिए। मैं एक बॉय ड्रॉ कर रही हूँ। गाइस, अगर आपने अभी भी रंग कैनवास को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, ये ड्रॉइंग करके आप अपने रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें भी शेयर कर सकते हो। अब मैं एक अम्ब्रेला ड्रॉ कर रही हूँ। गाइस, ये ड्राइंग एक सब्जेक्ट ड्राइंग है। आप ये ड्राइंग को एज अ समर सीजन ड्राइंग भी यूज कर सकते हो और आइसक्रीम सेलर ड्राइंग तो ये है। अब मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कलर करने वाली हूँ और मैंने इस ड्राइंग में जो जो कलर यूज किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलर। मैं कलर कर रही हूँ फर्स्ट सेरुलियन ब्लू ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। नाउ लाइट ब्लू कलर यूज कर रही हूँ स्काई में। अब देख रहे हो ना, धीरे धीरे मैं लाइट करके स्काई ब्लू का कलर दे रही हूँ। अब मैं इसके साथ व्हाइट कलर मिक्स कर रही हूँ। नाउ मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ गाइस। नाउ ऑरेंज। नाउ मैं मीडियम येलो कलर यूज कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग डार्क ग्रे। नाउ ग्रे। अब मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। नाउ मैं येलो अगर कलर यूज कर रही हूँ। नाउ मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ गाइस। Now I am using gray and dark blue. Guys, मैंने इस ड्राइंग में जो जो कलर यूज किया है वो पर्टिकुलर कलर अगर आपके पास नहीं है तो इसका सिमिलर जो भी कलर आपके पास है आप उसको यूज कर सकते हो। और मैंने इस ड्राइंग में कौन सा कलर यूज किया है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। Now again मैं येलो कलर यूज कर रही हूँ। Now ब्राउन। Now मैं डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। Now leaf green. Now मैं brown color use कर रही हूँ skin के dark tone के लिए। Now I am using flesh tint. Hair में as a first tone brown color use कर रही हूँ। Now मैं ice cream seller के t-shirt का color कर रही हूँ। T-shirt में मैंने प्राइमरी रेड एंड ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ।
नाउ अगेन मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ बॉय के डार्क स्किन टोन के लिए। नाउ मैं सेवन पिंक यूज कर रही हूँ। नाउ मैं लाइट वायलेट एंड पिंक कलर यूज कर रही हूँ बॉय के ड्रेस में। नाउ व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। नाउ मैं वायलेट कलर यूज कर रही हूँ। नाउ ब्रिलियंट ब्लू एंड लाइट ब्लू। अगेन मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ हेयर में। नाउ मैं मीडियम येलो कलर यूज कर रही हूँ गाइस। नाउ अगेन सेरुलियन ब्लू एंड लाइट ब्लू। गाइस अगर आप ऐसा ही ड्राइंग देखना चाहते हो तो आप रंगकर्मा स्टडी स्टार्स आर्ट रूम को फॉलो करते रहिए। इस चैनल में हम सब्जेक्ट ड्राइंग, स्कूल प्रोजेक्ट वाला ड्राइंग और ड्राइंग बुक्स में जैसा इजी स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग रहता है वैसा ही ड्राइंग शेयर करते हैं। आई होप ये सब ड्राइंग आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। ड्राइंग आपको स्कूल प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर सकता है। नाउ मैं डार्क ग्रे कलर यूज कर रही हूँ। Now green. Now मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ आइसक्रीम सेलर के पैंट में एंड शू में यूज कर रही हूँ डार्क। बस डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। Now येलो कलर। Now मैं लेमन येलो कलर यूज कर रही हूँ गाइस। नाउ मैं येलो ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। गाइस अगर आपके पास ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल ना हो तो आप ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो। गाइस अब मेरा कलर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रही हूँ। गाइस ये था मेरा आज का ड्राइंग। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी भी आपने रंगकर्मा स्टडी स्टार्स आर्ट रूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मुझे बहुत सारा सब्सक्राइबर चाहिए इस चैनल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।